कहते हैं कि श्री कृष्ण के तीसरे गुरु घोर अंगिरस थे। ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छंदों के उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य थे और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञानत्व नहीं रह जाता। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अलावा और भी कई उपदेश दिए थे। कहते हैं अनुगीता नाम से एक गीता है। इस गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने तब दिया था जब पांडव युद्ध जीत गए थे। यह गीता भी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह ज्ञान है जो युद्ध के बाद दिया गया था। यह ज्ञान उस वक्त दिया गया जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। अनुगीता एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत का ही एक हिस्सा है। अनुगीता का शाब्दिक अर्थ है गीता का अनु, अर्थात गीता के परिशिष्ट के रूप में गीता। यह भगवत गीता के नैतिक आधार पर आधारित है। कई ऐसे प्रश्न, संदेश और बातें हैं जो गीता में छूट गए थे, उनका समावेश अनुगीता में मिलेगा। यह गीता वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण को सुनकर याद किया था। वे महाभारत में कई संवादों और विवादों का उल्लेख भी करते हैं। इस गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, बुद्धि, इंद्र रूप, ध्यान, पंचभूत, ऋषियों के संवाद, इतिहास की बातें आदि बताते हैं। अनुगीता सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद ही नहीं है, इसमें श्री कृष्ण वासुदेव को महाभारत का प्रसंग और घटनाक्रम को बताते हैं। इसके अलावा इस गीता में युद्ध के बाद की कई घटनाक्रम भी जुड़े हैं, जिस दौरान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। इस गीता को पढ़ना भी रोचक है क्योंकि इसमें सिर्फ उपदेश नहीं और बहुत कुछ भी है। इस वीडियो का स्रोत महाभारत अश्वमेधिक पर्व अध्याय 51 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।